भाई नंद किशोर खड़गे जैसे एक मेरे साथी, हमेशा दौड़ने वाले हंसते खेलते साथी, पिछली बार थोड़ी कमी रह गई भैया, पिछली बार थोड़ी कमी रह गई, इस बार ऐसा मत करना। और ये इसलिए नहीं होता है कि आप नंद किशोर जी को नहीं चाहते हो, ये होता इसलिए है कि आप कहते हो यार नंद किशोर तो बहुत अच्छे हैं, भले हैं, मेहनती हैं, वो तो जीत जाने वाले हैं, मैं वोट नहीं दूंगा तो चलेगा, इसी का नतीजा होता है। भाइयों बहनों वोट जरूर दीजिए। और यहां भी कुछ लोग बैठे आए होंगे जो सभा तो सुनते होंगे, ताली भी बजाते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे, टीवी भी देखते होंगे, दोस्तों को टेलीफोन करके राजनीति की बात भी करते होंगे, लेकिन वोट देते समय यार मैं तो वोट देता नहीं, ऐसे लोग होते हैं ना, मैं तो यार वोट देता नहीं, मैंने जिंदगी में कभी वोट दिया नहीं, जिंदगी में कभी वोट दिया नहीं, ऐसे लोग होते हैं ना। ये जो लोग वोट देते नहीं, मैं इनकी मदद करना चाहता, बाद में आप नारे बोलना, फिर अभी समय है भाइयों बहनों। जो लोग वोट नहीं देते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, और मेरी सलाह मानना। आप कल्पना करो कि आपने वोट नहीं देने का व्रत लेके रखा है, आप वोट देने नहीं जाते हैं, लेकिन कभी आपका 5 साल का 7 साल का पोता आपको पूछेगा कि दादाजी ये मशीन से वोट कैसे पड़ती है, तो क्या जवाब दोगे? आपके पोते के सामने आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी कि नहीं? आपके पोते के सामने आपकी आंखें झुक जाएगी कि नहीं? शर्म के मारे आपका माथा नीचा हो जाएगा कि नहीं? बताइए, क्या पोते के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी है? तो आपके पोते के सामने आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वोट देना न देना आपकी मर्जी, कम से कम मशीन देखने के लिए तो चले जाओ, और मन करे तो कमल पे बटन दबा दीजिए, कमल पे बटन दबा दीजिए। भैया भाइयों बहनों, आप तो व्यापारी समाज हो, मुझे बताइए, प्रगति करनी हो, विकास करना हो, अच्छा काम करना हो, लक्ष्मी के बिना होता है क्या? लक्ष्मी के बिना होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है ना, लक्ष्मी चाहिए ना। क्या कभी लक्ष्मी साइकिल पे बैठ के आती है? क्या कभी लक्ष्मी साइकिल पे बैठ के आती है? अरे जरा जोरों से जवाब दो यार, क्या लक्ष्मी कभी साइकिल पे बैठ के आती है? क्या लक्ष्मी कभी हाथी पे बैठ के आती है? क्या लक्ष्मी किसी का पंजा पकड़ के आती है? मित्रों, लक्ष्मी सिर्फ कमल पे आती है, जहां कमल होता है वहीं लक्ष्मी आती है, जहां लक्ष्मी होती है वहां समृद्धि होती है, और इसलिए लक्ष्मी को भी लाना है तो कमल लाइए और नंद किशोर पे साथ लाइए।